अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और विंटर्स को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग टाइम से, और ये है जी ब्रेकफास्ट। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको आइडिया होगा कि मैं जो है वो ओट्स खाना पसंद करती हूँ, और मुझे मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट में वीकेंड्स पे या यूजुअली जब भी मुझे याद आए और दिल करे तो मैं ओट्स जो है वो रेडी कर लेती हूँ। और ये है इंस्टेंट क्विक ओट्स, और दूसरे यहाँ पे होल ओट्स भी मिलते हैं, रोल ओट्स भी मिलते हैं, वो भी आप बना सकते हैं जो भी आपको पसंद है, जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग। तो ये मैंने थोड़े से ओट्स डालकर 2-3 स्पून उसमें थोड़ा सा पानी डाला था, और पानी में उसको पकाने के बाद मैंने बिल्कुल थोड़ा सा दूध डाला था, और इंस्टेंटली ये 2 to 3 मिनट्स में कुक हो जाते हैं। और इसके ऊपर आप जो भी चाहें, आप इसको नट्स डाल के, अपना फेवरेट फ्रूट डाल के आप इसको जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से जल्दी जल्दी से मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ, और उसके बाद बारी आती है चाय की। ब्रेकफास्ट जो भी हो, चाहे आप पराठा खा रहे हो, चाहे ब्रेड खाएं, चाहे ओट्स खाएं, उसके साथ चाय ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद मैंने जो है चाय बना ली थी, और चाय के साथ जो है अगर कोई स्नैक्स पड़े हों तो मैं ले लेती हूँ, वरना डेली मेरी रूटीन में स्नैक्स नहीं होते। तो अभी मेरे पास ये कुकीज़ पड़े हुए थे, और मेरे बेटे को ये डोनट्स पसंद थे, वो लेकर आया था, तो बस उसके साथ मैं भी फिनिश करती रहती हूँ, और फिर डेली हम लोग खाते हैं और उसको जल्दी जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बेकरी प्रोडक्ट्स फ्रेश हों तो इनकी एक्सपायरी भी कम होती है, और 2 to 3 डेज इसकी मैक्सिमम एक्सपायर होती है। तो आपको वो चीज़ या तो आप फिनिश कर लें, अदरवाइज़ वो वेस्ट हो जाती है। तो मैं वैसे इसको इतनी जल्दी वेस्ट नहीं करती, अगर 1-2 दिन ऊपर हो भी जाएँ और आपने किसी बेकरी आइटम को फ्रिज में रखा हुआ है तो ये चल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी एक्सपायरी जस्ट 27 to 29 है, जस्ट 3 डेज़। तो 3 डेज़ में, अब ये 12 का पैक है, इसको फिनिश करना इतना आसान नहीं है, तो 1-2 दिन ऊपर भी हो जाएं तो हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, और इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ तो हम इसको ईजिली यूज़ कर लेते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बताएं आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यानी कि एक्सपायरी डेट के साथ चलते हैं और चीज़ को डिस्कार्ड कर देते हैं, या उससे पहले फिनिश करने वालों में से हैं, या 2-4 दिन ऊपर करके आप लोग भी इस्तेमाल कर लेते हैं? मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चाय ख़त्म करने के बाद अब मैंने जो है वो जल्दी से पालक कट कर ली थी। पालक मैं 3-4 दिन हो गए थे लेके आई हुई थी, ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज़ हो गए थे, मैं कह रही थी कि मैं इसको कट करूँ, लेकिन क्योंकि दूसरा सालन ख़त्म नहीं हो रहा था तो मैंने ये नहीं बनाई, तो मुझे था कि ख़राब ना हो जाए तो मैंने बस जल्दी से इसको कट किया। और इसी तरह मैं साथ में शलजम भी लाई हुई थी, लेकिन क्योंकि हमारा पहला वाला खाना फिनिश नहीं हो रहा था तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसका क्या करूं, क्योंकि फ्रिज में भी ये शलजम नरम हो रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लाई थी इसको, तो जितनी भी क्वांटिटी थी वो थोड़ा सा नरम पड़ रही थी, और पालक भी आपको पता है कि फ़्रेश फ्रेश ही चलती है, तो मैंने सोचा कि इन दोनों चीज़ों को क्यों ना कट करके जो है वो बॉयल कर लिया जाए। तो बॉयल करने के बाद आप सबको पता है कि हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, 1 to 2 वीक्स ऑलमोस्ट आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, फिर आप जिस तरह भी चाहें आप इसको पका सकते हैं। शलजम के अंदर आप गोश्त डाल लें, पालक गोश्त बना लें, आलू पालक बना लें, शलजम पालक बना लें, जिस तरह आपने बनाना है वो ईज़िली ये यूज़ हो जाएगी। तो मैं फिर काफ़ी सेटिस्फाई हो गई कि मैंने इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के शलजम कट करके, ये देखें शलजम मैश कर लिए थे बिल्कुल, ये 2 to 3 थे, और ज़्यादा मैं नहीं लाई थी क्योंकि न्यू न्यू आए हैं, तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं, और हमारे घर में सब ज़्यादा शौक से नहीं खाते, तो बेसिकली मैं ये अपने लिए ही लाई थी। तो ये देखें मैंने इसको बॉयल करके इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया, और इसको कूल डाउन होने के बाद मैं इसको जो है वो जार्स में डाल के मैं इसको फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इवनिंग के क्लिप्स। हम लोग बाहर चले गए थे, तो बाहर हम लोग गए थे, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी थी। तो यहाँ पर बिल्कुल एक न्यू मॉल खुला है, अल्दफ़रा मॉल, जिसकी ओपनिंग हुई है हमारे एरिया में, और यहाँ पे इन्होंने नया जो है वो लुलू भी ओपन किया है, और लुलू की ये 185th ब्रांच है। आई डोंट नो ये यूएई में 185th है या ओवरऑल जो है वो 185th ब्रांच है। तो मैंने सोचा कि इसके भी कुछ ग्लिम्स आपके साथ शेयर करते हैं, और ये अब हम फर्स्ट टाइम गए थे, और इसकी ओपनिंग कल हुई थी तो हम आज गए थे, वेरी नेक्स्ट डे हम लोग गए थे, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था और सब लोग देखने आए हुए थे। आपको पता है लुलू में फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं, और जब भी आप जाएं आपको हर चीज़ फ्रेश यहाँ पे मिल जाती है, तो यहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट्स भी लगे हुए थे, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट था, और लोगों का बहुत रश था जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो लेकर जा रहे थे, क्योंकि न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, और न्यू ईयर की एंडिंग पे जो 2019 की एंडिंग पे इन लोगों ने काफ़ी डिस्काउंट सेल्स लगाई हुई थी,
ताकि जो है वो इनका पिछला जो माल है वो निकल जाए। और वैसे भी वो लगाते हैं, लोगों के लिए ऑन एंड ऑफ ये सेल्स लगती रहती हैं, तो लोग काफ़ी ज़्यादा सेल परचेज करते हैं इस टाइम पर। तो यहाँ पर बाहर इन्होंने काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले में लगाई हुई हैं। तो अब हम सीधा अंदर आ गए हैं और यहाँ से भी मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स शूट किए हैं। और जिस सेक्शन में हम लोग गए थे, जैसे चलते जा रहे थे तो मैं शूट करती जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप सब के साथ भी शेयर करूं। और इन्होंने बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बनाया है और हर सेक्शन जो है वो प्रॉपर्ली अरेंज्ड है। और लुलू जो है वो अपनी फ्रेश आइटम्स की वजह से वैसे ही यूएई में बहुत ज़्यादा एक फेमस स्टोर है, और जिसका ऑनर जो है वो एक मलवारी हैं, और उन्होंने इस एरिया में भी लुलू ओपन किया है। और ये हमारे एरिया में फ़र्स्ट लुलू है, यहाँ पर इससे पहले कोई लुलू नहीं था। और क्योंकि वेस्टर्न रीजन में अभी तक कारफोर और लुलू दोनों ही अवेलेबल नहीं थे, ये हाइपर मार्केट्स, लेकिन अब यहाँ पे लुलू आ गया है, इसलिए लोग निकले और लोगों ने देखा, लोगों का रश भी हुआ ऑन एंड ऑफ। अब बाकी शॉप्स की बजाय लोग लुलू से आके अपनी ग्रॉसरी करना शुरू हो गए हैं। तो बहुत अच्छा स्टोर है और ऑफ़र्स भी अच्छी हैं, प्राइस भी इनकी अच्छी रेंज मिल जाती है, आपको हर चीज़ मिल जाती है हर रेंज में, तो इसीलिए लोग आते हैं लुलू में। और यहाँ पर मेरा फेवरेट हनी केक लगा हुआ था और इसको भी मैंने कैप्चर किया है और टेस्ट भी किया है। एज़ ऑलवेज़ इट इज़ 10 out of 10। और ये सारा इनका फ्रोज़न चॉकलेट आइटम्स और केक्स और रोल्स, और आगे भी आप देखेंगे इसके कुछ ग्लिम्प्स। ये इनके फ्रोज़न आइटम है जहाँ पे नगेट्स और चिकन्स वगैरह होती हैं, और सारा वेल अरेंज्ड है, बहुत प्रॉपरली अरेंज्ड। हालांकि हम लोग सोच रहे थे कि शायद अभी ये न्यू न्यू ओपन हुआ है तो इसमें हो सकता है कि बस मैस क्रिएट हो और छोटा सा हो या कैसा होगा अंदर से, लेकिन बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने, कंपेरेबल टू लाइक अबू धाबी। जिस तरह अबू धाबी में है मॉल्स में लुलू, उससे आप बिल्कुल इसको कंपेयर कर सकते हैं। आप सबको ये लुलू की ब्रांच कैसी लगी, मेरे साथ अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।